सौजल, आप सबसे पहले सौजल पुलिस तरफ से ये पुराना शहर रहने वाले को ये मिलाद नबी का बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हर एक साल ये मिलाद नबी का ये त्यौहार बहुत खुशी से बढ़ते जा रहे थे। इस साल भी कल मक्का मस्जिद से गुलजार हाउस मदीना मीरालम मंडी से मुगलपुर तक मेन प्रोसेशन किया जाएगा। इसके अलावा 30 प्रोसेशंस ट्रिब्यूटरी इंटरनल प्रोसेशंस भी दादा पुलिस फोर्स तेलंगाना स्पेशल पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स शी टीम्स ये पूरी तरफ से डिप्लॉयमेंट कर दिया गया और डीजीएस मना है वो स्टैटिक हो और मोबाइल हो और थोड़ा तेज से वो मोटरसाइकिल्स साइलेंसर निकाल के और स्टैंड रख के और हरा गुलाल दूसरा कम्युनिटी के ऊपर ये दे चुका हूँ। लेकिन बहुत संभाल के कोई प्रॉब्लम किसी को तकलीफ और अपने को भी तकलीफ नहीं होने के लिए आपको कोशिश करना है, पेरेंट्स काउंसलिंग करना है बच्चों को। वो मालूम नहीं था ये खुशी से वो फिट्स लगाने में कुछ इंजरी होता है, एक्सीडेंट होने के लिए संभावना है और किसी को झगड़ा करने के लिए कम्युनल भी प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए वो काउंसलिंग करना है। इसके अलावा और बाकी हम पूरा तरफ से 100% अभी तक ये ऑर्गेनाइजर्स को मेन मुतुजा पाशा सूफी लीडर्स और मुस्लिम फोरम यूनाइटेड फोरम लीडर्स ये सभी मौलाना उलेमा के साथ बहुत बहुत मीटिंग करके फैसला कर दिया है, प्रोग्राम चाकआउट कर दिया गया है। अभी तो पीसफुल अमन से कर दी जाएगा और इस साल भी ये बोनालू रमजान बकरीद दशहरा गणेश बहुत पीसफुल अमन से मनाया गया ये दुनिया के सामने। और एक बार हैदराबाद का तमाम लोगों ने गंगा जमुना तहजीब दिखाया, ये भी अमन शांति से पूरी होने के लिए हम 100% मदद करेंगे। थैंक यू।